गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई वेलकम टू यू ऑन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अर्थशास्त्र का प्रथम लेसन इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का परिचय के बारे में आपको बताऊंगा। अर्थशास्त्र का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ, इसकी प्रकृति क्षेत्र क्या है, अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है, अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन करते हुए अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान है अथवा दोनों है, इसका अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र के रचयिता आचार्य कौटिल्य को माना जाता है और उसके जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक 1776 ईस्वी में प्रकाशित किया, जिसका नाम है राष्ट्रों के धन के स्वरूप एवं कारणों की खोज, एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इस पुस्तक में एडम स्मिथ ने ये बतलाया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। उसके पश्चात विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने विभिन्न तरीकों से, विभिन्न विचारों से अर्थशास्त्र की परिभाषा को परिभाषित किया। सर्वप्रथम हम अर्थशास्त्र के परिचय के बारे में आपको बतलाना चाहते हैं कि मानव सभ्यता के आदिकाल से ही मनुष्य विभिन्न प्रकार की आजीविकाओं पर निर्भर रहता था, जैसे पशुपालन है, आखेतन है, कृषि उद्योग है आदि पर विभिन्न तरीकों से वह अपना जीवन यापन करता था। लेकिन धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति के पश्चात उसकी आर्थिक क्रियाओं में परिवर्तन हुआ। वह वाणिज्य के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से अपनी आजीविका के साधन को विभिन्न तरीकों से प्राप्त करता था। इस प्रकार से उसके आर्थिक क्रियाओं के स्वरूप विचार एवं समृद्धि में काफी परिवर्तन एवं विकास हुआ। प्राचीन ग्रंथों में अर्थशास्त्र के संबंध में यह उल्लेख मिलता है कि कृषि पालन पालय वाणिज्यम च वार्ता। यहाँ पर कृषि पालन पालय वाणिज्यम च वार्ता शब्द का प्रयोग, वार्ता शब्द का प्रयोग आर्थिक क्रियाओं के लिए प्रयोग किया गया है। जैसे वार्ता शब्द का प्रयोग आर्थिक क्रियाओं के रूप में किया गया है। भारत के प्राचीन विचारकों में स्वामी दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे, दादा भाई नरोजी, रमेश चंद्र दत्त, एम एन राय आदि अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने विचारों को प्रकट किया। उसके पश्चात भारत के महान आर्थिक विचारकों में महात्मा गांधी आदि अर्थशास्त्रियों ने अपने विचारों को प्रकट किया। अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को हम
पांच रूपों में बांट सकते हैं। पहली परिभाषा, धन संबंधी परिभाषा। धन संबंधी परिभाषा का प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया, जो कि अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। इन्होंने 1776 में अपनी एक पुस्तक प्रतिपादित की, जिसका नाम है An inquiry into the nation and causes of wealth of nations, राष्ट्रों के धन के स्वरूप एवं कारणों की खोज। इनके अनुसार अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। इसमें इन्होंने धन को महत्व प्रदान की। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। दूसरी परिभाषा है कल्याण संबंधी परिभाषा। प्रोफेसर मार्शल ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक वेलफेयर, जो कि 1890 में प्रकाशित हुई, उसमें इन्होंने ये बताया कि अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक कल्याण का अध्ययन करता है। में इन्होंने अपनी पुस्तक प्रकाशित किया, जिसका नाम है इकोनॉमिक वेलफेयर, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, आर्थिक कल्याण से संबंधित परिभाषाओं को इन्होंने प्रकाशित किया। अर्थशास्त्र के सिद्धांत के रूप में अपनी परिभाषा को प्रतिपादित किया। तीसरी परिभाषा है सीमितता या दुर्लभता संबंधी परिभाषा।
प्रोफेसर रॉबिन्स ने सीमितता या दुर्लभता संबंधी परिभाषाओं में उल्लेख किया है कि अर्थशास्त्र में सीमितता या दुर्लभता की समस्या उत्पन्न होती है। मनुष्य अपनी सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। He has a limited resources, but he cannot complete his unlimited necessities. वह अपने अनलिमिटेड रिसोर्सेस अनलिमिटेड इन असीमित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह अपने सीमित साधनों का वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करना चाहता है ताकि वह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। इससे संबंधित परिभाषा प्रोफेसर रॉबिन्स ने प्रस्तुत किया। एडम स्मिथ ने 1776 में एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक प्रकाशित किया। प्रोफेसर मार्शल ने 1890 में इकोनॉमिक वेलफेयर मानव आर्थिक मानव के कल्याण के रूप में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक प्रकाशित किया। प्रोफेसर रॉबिन्स ने सीमितता या दुर्लभता संबंधी परिभाषा प्रस्तुत किया जिसके अनुसार अनलिमिटेड इंस मनुष्य के पास जो है असीमित उद्देश्य होते हैं और उसकी पूर्ति करने के लिए उसके पास साधन सीमित होते हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की समस्याओं की उत्पत्ति होती है और कौन सी समस्या कौन सी चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है अब कौन सी समस्या का समाधान किया जाए इसका विश्लेषण प्रोफेसर रॉबिन्स ने अध्ययन किया है। इसके पश्चात चौथी परिभाषा है विकास केंद्रित परिभाषा। प्रोफेसर पाले सिमुलेशन के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान जिसमें मानव का विकास होता है एक गत्यात्मक विश्लेषण का अध्ययन करता है। प्रोफेसर पाले सिमुलेशन के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें गत्यात्मक विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है जिसमें अर्थशास्त्र का विकास होता है। अर्थशास्त्र के विकास के साथ ही साथ मानव का आर्थिक कल्याण भी निहित है।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी के मेहतानी अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में लिखा है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें आवश्यकता विहीनता किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता ही न हो। सबसे बड़ा सुख वही है जिसमें किसी व्यक्ति को किसी भी चीज की कोई आवश्यकता न हो। आवश्यकता से विहीन रहना ही मानव के कल्याण में वृद्धि करता है, मानव का विकास होता है। इस प्रकार से जो है अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं के का वर्णन जो है इस प्रकार से किया गया है। धन्यवाद।